भाजपा ने चारों लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में कार्य योजना बैठकों का दौर जारी रखा है। सबसे पहले हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बैठक के बाद कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की सभी बीते दिनों आयोजन किया गया था। तत्पश्चात बीते कल मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बैठक के बाद आज शिमला के पीटरहाफ में शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि सुजान सिंह, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन मंत्री पवन राणा, संसदीय क्षेत्र के विस्तारक, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष तथा मंडल विस्तारक इस बैठक में मौजूद रहे। इन कार्य योजना बैठकों का मुख्य उद्देश्य आने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में किस तरह मिशन रिपीट के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए उसको लेकर रोड मैप तैयार करना था। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि आज शिमला में शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बैठक का आयोजन किया गया। इससे पहले तीनों लोकसभा संसदीय क्षेत्रों की बैठक का भी आयोजन किया गया। इसमें हमीरपुर, कांगड़ा तथा मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बैठक का भी आयोजन किया गया था। इस बैठकों में आने वाले समय के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश अब चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है तथा शेष 6 माह का सरकार का कार्यकाल बचा हुआ है। इस संदर्भ में आने वाले समय में किस तरह से सम्मेलन, रैलियां, महासंपर्क अभियान आगामी दिनों में होने वाले हैं उनको लेकर कार्यक्रमों को तैयार करने को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं सुरेश कश्यप ने कहा कि 6 अप्रैल को भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर महासंपर्क अभियान तथा पदयात्रा प्रदेश के 7,792 बूथों पर करने वाले हैं। वहीं इस अवसर पर घर द्वार जाकर केंद्र तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लेकर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में माला अर्पण कार्यक्रम के साथ सहभोज का कार्यक्रम प्रदेश सत्र पर अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के बैनर तले आयोजित किया जाएगा, जिसे पूरी पार्टी एकजुट होकर करेगी। वहीं आने वाले समय में ग्राम प्रमुख केंद्रों के सम्मेलन, त्रिदेव सम्मेलन, पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन, पंच सम्मेलन इत्यादि करवाए जाएंगे। जिस तरह से हाल ही में हुए 4 विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत कर मिशन रिपीट किया है, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट कर सके उसी लक्ष्य को लेकर कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं सुरेश कश्यप ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के आने से हिमाचल प्रदेश में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमेशा 2 पार्टियों के बीच में ही चुनावी मुकाबला आज तक हुआ है। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में चुनावी दौर के समय कई पार्टियां आई, कई पार्टियां विलुप्त हो गईं। हिमाचल प्रदेश की जनता काफी समझदार है, वह जानती है कि आने वाले समय में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारी शिमला पार्लियामेंट्री की बैठक है और इससे पहले हमारी 3 बैठकें हैं, 3 पार्लियामेंट्री की। इसमें सबसे पहले हमीरपुर पार्लियामेंट्री की हमारी बैठक हुई, उसके बाद कांगड़ा चंबा पिछले कल मंडी की थी और आज शिमला पार्लियामेंट्री की बैठक। बैठक का उद्देश्य और ये कार्य योजना बैठक है, आने वाले समय में हम क्या क्या कार्य योजना बनाकर जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसका एक कैलेंडर तैयार हम कर रहे हैं। हम जानते हैं हम चुनावी वर्ष में हैं और वर्तमान कार्यकाल लगभग 6 महीने का बाकी है, तो उसी को लेकर कि आने वाले समय में जो विभिन्न सम्मेलन, विभिन्न रैलियां, महासंपर्क अभियान और ऐसे बहुत सारे कार्य आगामी दिनों में हम करने वाले हैं, तो उस दृष्टि से ये बैठक रखी गई है। 6 अप्रैल जब हमारा स्थापना दिवस है उस दिन हम महासंपर्क अभियान और पदयात्रा का कार्यक्रम प्रदेश के 7,792 बूथों के ऊपर शुरू कर रहे हैं और एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम हर घर तक दस्तक देंगे और केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उसको लेकर हम ये अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न उनके जयंती के अवसर पर हमारा एक भव्य कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश भर में हर मंडल में 2-3 स्थानों के ऊपर होगा और उसमें भी जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण का कार्यक्रम, साथ ही साथ सहभोज का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर के तले होगा, लेकिन पूरी पार्टी उसमें सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को करेगी।
इसके अलावा आने वाले दिनों में हम जो है जहां महासंपर्क अभियान कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारे ग्राम केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन, हमारे त्रिदेवों के सम्मेलन, पन्ना समितियों के सम्मेलन, पंच परमेश्वर के सम्मेलन, लाभार्थियों के सम्मेलन और उसके बाद बहुत सारी हमारी कार्यशालाएं और अन्य सब कार्यक्रम करने जा रहे हैं आने वाले चुनाव की दृष्टि से 2022 का जो हम लक्ष्य लेकर चले, क्योंकि अभी चार स्टेटों के जो रिजल्ट आए हैं उसमें चारों स्थानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने न केवल प्रचंड जीत हासिल की, वहां मिशन रिपीट को कामयाब किया है। तो हिमाचल प्रदेश में भी मिशन रिपीट कामयाब हो उस दृष्टि से हम आगे बढ़। मैं नहीं मानता कि आपका कोई इम्पैक्ट हमारे प्रदेश में होने वाला है। हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में इससे पहले भी कई पार्टियां आई और फिर उन विलुप्त हो गई, क्योंकि थर्ड पार्टी का कोई विकल्प हिमाचल प्रदेश में नहीं है। यहां आज तक केवल दो दलों के बीच में ही मुकाबला हुआ है, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप पार्टी के आने से हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दूसरा, पंजाब का कोई इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश के जो जनता है बहुत समझदार है, हम हिमाचल के वोटर बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि हमारे हित में क्या है और उस दृष्टि से मुझे किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं लगती। जैसा आपने कहा बैठक में हमने हमारे विशेष रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुधान सिंह जी जो उत्तर क्षेत्र के प्रभारी हैं उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। इसके अलावा हमारे सह प्रभारी संजय टंडन जी हैं, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी आज की बैठक में हैं। इसके अलावा इस बैठक में हमारे संसदीय क्षेत्र के जो विस्तारक हैं वो हैं। इसके अलावा हमारे जिला के प्रभारी, जिला के अध्यक्ष, जिला सह प्रभारी, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री और जिलों के विस्तारक आज की इस बैठक में ये हमारी जो अपेक्षित श्रेणी है। और हम आने वाले समय में जो विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अब समय एग्जीक्यूशन का है, इसलिए सभी लोग जुट जाएं अपने अपने क्षेत्रों में उस दृष्टि से। और इसमें आज की बैठक में हमारे सम्मानीय मंत्रीगण, सम्मानीय विधायकगण और 2017 के प्रत्याशी भी अपेक्षित हैं और सभी लोग आज की बैठक में विराजमान हैं। एक विस्तृत रोड मैप तैयार करके मिशन रिपीट को कामयाब करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से क्लीन हिमाचल की जो परिस्थितियां अलग हैं और पंजाब से, यहाँ हर प्रकार से हम भिन्न हैं। जैसा मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का वोटर भी बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, उनको मालूम है कि हमको क्या करना है। और आज तक बार बार कई पार्टियां आई आके चली गई, तीसरे पार्टी के लिए आज तक कोई संभावना हिमाचल प्रदेश में नहीं रही। जो भी तीसरा दल यहां पर उभरा है वो समाप्त हो गया, इसलिए आपका कोई इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश में होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।